हेलो एंड नमस्ते, आई एम प्रकाश बेलवाल ऑन माय चैनल इंग्लिश व्हाट। और आज हम पढ़ेंगे पर्संस इन इंग्लिश लैंग्वेज, और हम कह सकते हैं ग्रामेटिकल पर्संस। हिंदी में इन्हें कहा जाता है व्याकरणिक व्यक्ति। हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें कवर क्या करने वाले हैं, हम कवर करेंगे कि कितने टाइप्स के पर्सन होते हैं और उनके वजह से सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे वेरी होता है। और थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ब फॉर्म में कैसे फ़र्क पड़ता है डिफरेंट पर्संस होने से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मैं छोटा सा जिस्ट में बता देता हूँ, ये बाद में आपके रेफरेंस के लिए इसको पढ़ना ज़रूर दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में। पहली चीज़ एग्जांपल लेता हूँ, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल जिसमें 50% तो कवर हो जाएगा इसमें। एग्जांपल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, पहला व्यक्ति, आप दूसरे व्यक्ति, सेकेंड पर्सन। अब मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आई, मैं पहला व्यक्ति हो गया, तुम या आप सेकंड व्यक्ति हो गए, सेकंड पर्सन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यू। और अगर जो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कैसे है, इसमें थर्ड पर्सन की बात करी जाएगी, तो थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सेकंड पर्सन हो गए, अमिताभ बच्चन थर्ड पर्सन हो गए। मुझे जो सुनता है, पहले व्यक्ति को जो सुन रहा है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, तो उस मोमेंट में मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, वो जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन होगा। तो आई गेस यही इसमें लिखा हुआ है, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस वजह से कौन सा पर्सन क्या है। अब आगे और अच्छे तरीके से देखेंगे, उससे पहले ज़रूरत है रिकॉल करने की कि हमने नाउन और प्रोनाउन क्या पढ़े थे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नाउन क्या है, नाउन है पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। ठीक है, अब प्रोनाउन की बात करी जाए, तो प्रोनाउन वो चीज़ है जो नाउन की जगह में यूज़ होता है। हमारा तीसरा लेक्चर बेस्ड है इन सब चीज़ों में, नाउन और प्रोनाउन क्या है, आप उसे देखिए अगर जो आपने नहीं देखा है। आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन, नाउन की जगह में जो शब्द यूज होता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं मतलब आई फर्स्ट पर्सन, यू मतलब तुम और आप सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे ही जब वो मेल है, आदमी है, जब वो फीमेल है तब शी, और जब वो कोई वस्तु है तब यूज करेंगे हम इट। आई गेस ये समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोनाउन यूज कैसे हो रहा है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये फेवरेट कैरेक्टर थे मेरे ओल्ड बॉलीवुड मूवी के, ओल्ड इज गोल्ड, तो मैंने ये लिया है। आई गेस मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी यहाँ पे अमर अकबर एंथनी है, मैंने अभी क्या कर दिया कि अमर को फिक्स कर दिया, आई लिख दिया, अकबर के आगे यू लिख दिया सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही और शी, वो दिक आदमी रहा है, फॉर सपोज वहाँ औरत भी हो सकती थी, तो ही और शी थर्ड पर्सन कह दिया मैंने। इसमें थर्ड पर्सन की कैटेगरी में एक और था, मैंने बताया था इट, जो कि वस्तु, मैंने अभी भी आगे कवर करेंगे उसको। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में, वही एग्जांपल अमर अकबर एंथनी के बारे में, अमर अकबर एंथनी से लेते हैं। अब मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। यहाँ पे अमर अकबर जो अकबर से बात कर रहा है, अमर अकबर से बात कर रहा है, अमर हो गया पहला व्यक्ति, अकबर से बात कर रहा है, अकबर उसे सुन रहा है अगर, तो अकबर हो गया दूसरा व्यक्ति यू। अगर अमर और अकबर बात कर रहे हैं एंथनी के बारे में, एंथनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंथनी क्या हो गया, तीसरा व्यक्ति, ही और शी, अगर जो औरत होगी तो मैंने आपको बताया फीमेल होगी, तो वहां पे लगेगा आपका शी। अब आगे बढ़ते हैं, पहला एग्जांपल क्लियर हो गया, जहां पे अमर फर्स्ट पर्सन है, अकबर सेकंड और एंथनी थर्ड पर्सन। अब देखते हैं, क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि अकबर बात कर रहा हो और अमर सुन रहा हो। जब ऐसा होगा तब अकबर पहला व्यक्ति बन जाएगा, जब अकबर बात करेगा एंथनी अमर से और बात करेगा एंथनी के बारे में, तो अकबर फर्स्ट व्यक्ति हो जाएगा, तब अकबर आई बोला जाएगा, अमर सेकंड पर्सन होगा तो यू होगा, एंथनी की बात हो रही तो ही और शी ही रहेगा वो। तो आप समझ रहे हैं, जिस जो बोल रहा है वो पहला व्यक्ति होता है इंग्लिश में और हिंदी में भी, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है हिंदी और इंग्लिश में। लेट्स मूव ऑन टू द मेन थिंग, मेन टॉपिक। अब मैं फर्स्ट पर्सन को बहुत एलैबोरेटली समझाता हूँ आपको। द पर्सन हु इज टॉकिंग एट द मोमेंट, मैंने अभी आपको बताया था जो बोल रहा है उस वक्त,
उसको हम बोलते हैं आई और वी। अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट पर्सन की बात करी थी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की। अच्छा, मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में सिंगुलर और प्लूरल बता चुका है। हमारा फिफ्थ लेक्चर जो अपलोड हुआ था वो इसी के ऊपर बना हुआ था कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है, तो वो आपको समझना खुद ही पड़ेगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है। अब हम समझते हैं, अब हम प्रोनाउन के बारे में बताते हैं सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन क्या है। मैं जब सिंगुलर हूँ, मैं अकेला हूँ तो मैं सिंगुलर हूँ, मैं उस वक्त प्रोनाउन यूज़ करूँगा आई। जब मैं अपने ग्रुप के साथ खड़ा हूँ, मेरे साथ एक से ज़्यादा, मैं एक से ज़्यादा यूनिट हूँ, मेरे साथ दो व्यक्ति हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो मैं एक ग्रुप के साथ खड़ा हूँ, वो मेरा ग्रुप है ना, तो वहाँ पे वो प्लूरल हो जाएगा। उसको हम डिनोट करेंगे वी से। कैसे करके आप देखते हैं, एक वचन है आई, बहुवचन आई का क्या है, वी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू, मैंने एग्जाम्पल लिया है पहला, बहुत सिंपल, आई एम टॉकिंग टू यू, तो यहाँ पे क्या है, मैं अकेला तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टीचिंग, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ आई एम टीचिंग यू, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब मैं बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग यू, तो आप सिंगल भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन में कितने लोग मौजूद हैं। अभी क्या पता आप कैमरे की तरफ चार लोग बैठे हुए हो, मुझे नहीं पता। और वैसे भी यू, अब आगे देखेंगे यू की सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी में यू ही यूज़ होता है। जैसे आई में वी कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई का प्लूरल है वी, सेकंड पर्सन में ऐसा नहीं होता, वो हम देखते हैं अभी। पहले लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। प्लूरल में जब एक समूह है एक से ज़्यादा है, तब वी आर टॉकिंग टू यू, मैं और मेरा ग्रुप मिलकर आपसे बात कर रहा है ना। दूसरा एग्जांपल, वी आर टीचिंग यू, फॉर सपोज मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर अभी आपसे पढ़ा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर टीचिंग यू। तो वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। लेट्स टेक पिक्टोरियल एग्जांपल, आई जब अकेला खड़ा है तो मैंने क्या बोला, आई अमर अकेला खड़ा है तो अमर आई हो गया। अकबर भी हो सकता था, एंथनी भी हो सकता था, अमित भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था। जब अमर अपने पूरे ग्रुप के साथ आ गया तो अमर आई प्लस अदर, मतलब एक व्यक्ति से ज़्यादा हो गया, जैसे ही वैसे ही वो वहाँ पे क्या हो गया, वी। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक समूह को, एक से ज़्यादा को, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और जब आई होगा तो उसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये टर्म्स हैं, ये बहुत ज़रूरी टर्म्स हैं, आप लिख लीजिए अगर जो आप चाहते हैं। वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेलीग्राम में नोट्स हैं हमारे, आप जाके देख सकते हैं। द सेकंड पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू द स्पीकर, मैंने आपको क्या बताया था, जो इंसान सुन रहा है वक्ता को, उस इंसान को जो समय बोल रहा है, उसको बोलेंगे सेकंड पर्सन। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल क्या है। दो ही किस्म की नंबर्स होते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये आपको देखना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन सिंगुलर होगा या प्रोनाउन प्लूरल होगा। तो एक वचन में यू आता है, बहुवचन में भी यू आता है। अब एक छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता था, एंशियंट लैंग्वेज में क्या होता था, यू नहीं लिखते थे सिंगुलर को, कन्फ्यूजन होता था बहुत ज़्यादा कि यू सिंगुलर में भी है प्लूरल में भी है। जाहिर सी बात है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग यू, अब क्या पता आप अकेले यहाँ पे, आपका नाम है अमित और आप अमित अकेले बैठे हो अभी, तो मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, आप अकेले हो, क्या पता आप अपने पूरे ग्रुप के साथ हो, मुझे पता है आई एम टीचिंग यू, तो आपका पूरा ग्रुप है वहाँ पे, पर फिर भी टर्म क्या यूज़ हो रही है, यू यूज़ हो रही है, यू ही सिंगुलर है, यू ही प्लूरल है सेकंड पर्सन में। एंशियंट लैंग्वेज में क्या होता था, मैं बता रहा था, एंशियंट लैंग्वेज में यूज़ करते थे टी एच ओ यू, दो, ठीक है, इसको यूज़ करा जाता था सिंगुलर के लिए, आई एम टीचिंग दो। अब आगे समझ में, पर अब आई एम टीचिंग यू ही होता है सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए भी यू ही होता है, जैसे बोलते हैं आप और तुम स्वयं एक बहुवचन है, यू स्वयं एक बहुवचन है उसी का। तो एग्जाम्पल सेम वही रहेंगे, आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे जो दिखा रहा है वो यू आप हैं, आई एम टीचिंग यू, या फिर मेरा ग्रुप आपके ग्रुप को पढ़ा रहा है, मेरा ग्रुप आपके ग्रुप से बात कर रहा है, इतना फ़र्क है। लास्ट में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे इसके, नो इशूज, सबको साथ में रख के कंपेयर करेंगे। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अकबर यहाँ पे जब अकेला खड़ा है, तो अकबर अकबर की जगह मैंने बताया एंथनी भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, अमित भी हो सकता था, अमिताभ बच्चन भी हो सकते थे, यहाँ पे अकेले खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे होते, एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन अकबर, जब अकबर खड़ा है अपने पूरे गैंग के साथ, ठीक है, ये पूरा गैंग है उसका, देख रहे हो ना आप कैसे
खतरनाक लोग हैं इसमें, ठीक है। तो पूरे गैंग के साथ खड़ा है, तो वहां पे उसका पूरा गैंग यू से ही रिप्रेजेंट होगा। आ गया समझ में? ये बहुत अच्छे से समझा है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई डाउट होना चाहिए। थर्ड पर्सन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम पहले समझेंगे नहीं, पहले हम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मेल है, मैंने बता दिया मेल ही है। शी व्हेन फीमेल, जब फीमेल जेंडर की बात कर रहे हैं हम, है ना। स्त्री, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हिंदी में होता है, बताने की जरूरत है नहीं मुझे लगता। इट कब आता है? इट आता है वस्तु के लिए। वस्तु क्या है मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। बुक, कॉपी, पेन, चेयर, टेबल, एवरीथिंग, एवरीथिंग, जो भी वस्तु आपको लगती है निर्जीव वस्तु। और ऐसा जानवर जो जिसका जेंडर आप नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते, क्या पता जानवर दूर खड़ा हो, क्या पता जानवर का जेंडर बताना मुश्किल हो, है ना। जैसे इट्स अ डॉग, वो दूर खड़ा है ना। इट्स अ कैट, इट मे बी अ डॉग, हम बोलते हैं ना इट मे बी अ डॉग। और जाहिर सी बात है जानवरों के लिए यूजली इट ही यूज करा जाता है। इट्स एन इंसेक्ट, है ना, तो वो एक इंसेक्ट है, वो एक इंसेक्ट है, हम बोलते हैं ना। अब समझते हैं कि मैंने आपको तीनों कैटेगरी बता दी। थर्ड पर्सन में तीन कैटेगरी है, फर्स्ट सेकंड पर्सन में नहीं है ऐसा, थर्ड पर्सन में तीन कैटेगरी है। अब देखते हैं कि कैटेगरी कैसे इस्तेमाल होती है। एकवचन और बहुवचन दोनों चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे। एकवचन जब आपका मेल हो तब बोलेंगे मेल, मतलब तब मेल की बात करी जाएगी, ही की, इंग्लिश में ही बोलते हैं, हिंदी में वहाँ यूज़ होगा, इंग्लिश और हिंदी में फीमेल के लिए भी वहाँ यूज़ करेंगे, ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। इंग्लिश में है और हिंदी में हम प्रॉपर बोलेंगे, स्त्री है तो स्त्री ही बोलेंगे। और जब बात करी जाएगी वस्तु की, तो यहाँ वहाँ ऐसा करके हम उसे डिनोट करेंगे। तीनों कैटेगरी आपको पता चल गई। इन तीनों कैटेगरी का पुलिंग क्या है? अब देखो पुलिंग इसमें क्या है, जब आपका ही अपने ग्रुप के साथ खड़ा हुआ होगा तो क्या यूज होगा? दे। आगे समझ में? जब आप स्त्री खड़ी है, स्त्री अपने पूरे ग्रुप के साथ खड़ी है, तब भी यूज होगा दे। आगे समझ में? जब न्यूट्रल जेंडर है या वस्तु है, एक से ज्यादा है, समूह है, तो क्या यूज होगा? दे। दे ही यूज होगा तीनों चीज में, आपका क्या यूज होगा? दे ही यूज होगा। तो आपका जो बहुवचन है दे, यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको पूरा। थर्ड ग्रुप वी आर टॉकिंग अबाउट, तीसरे समूह के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे दे यूज होगा। उसको हिंदी में बोलते हैं वह, वह। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सिंगुलर के एग्जांपल लेते हैं। ही इज टॉकिंग, शी इज टॉकिंग। क्लास में मॉनिटर होता था ना बचपन में, तो अक्सर कंप्लेन करता था, तो मैम के पास जाता था तो यही बोलता था ना, वो बात कर रहा है, वो बात कर रही है, तो ही इज टॉकिंग, शी इज टॉकिंग, ऐसे बोलता था ना। और वही मॉनिटर जब मैम पूछती थी कि भाई कोई बुक देगा, कोई बुक देगा, इट इज़ माय बुक, ऐसे बोलता था ना। तो भाई बुरा मत मानना अगर जो आप में से कोई मॉनिटर है, ठीक है। मैं सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और दूसरी बात कर रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, वेयर आर माई बुक्स, दे आर ऑन द टेबल। आगे समझ में कि प्लूरल की बात करी जाएगी। जब उसने प्लूरल में क्वेश्चन पूछा, उसका क्वेश्चन प्लूरल था कि एक से ज्यादा बुक रही होगी उसकी, देयर ऑन द टेबल, वेयर इज माय बुक, अगर जो पूछता वेयर इज माय बुक तो मैं बोलता इट इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन द टेबल एंड दे आर ऑन द टेबल। डिफरेंस पता चल गया ना, एक है तो इट इज, दे है मतलब एक से ज्यादा है, समूह है तो उतना। दे आर गुड स्टूडेंट, हमने बोल दिया दे आर गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, जब वो सिंगुलर होगा, शी इज अ गुड स्टूडेंट, जब वो लड़की गुड स्टूडेंट होगी सिंगुलर होगी, जब वो एक से ज्यादा है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो दे आर गुड स्टूडेंट। मुझे लगता नहीं अब कोई भी डाउट रह सकता है इतने अच्छे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बाद। अब इसमें देखते हैं कि एक मिनट हम ये समराइज करने के लिए कि समरी है इसकी, फाइनली जाके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन आई एंड सर्कल्स जो मैं कर रहा हूँ ना, सर्कल्स जो मैं कर रहा हूँ उनको देखिए आप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, उस एग्जांपल में सारी चीज़ खत्म है। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम, तभी हिम परेशान है वहाँ पे, देख रहे हो आप, हिम बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे, परेशान था लग रहा है ना अभी मेरे बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे हम अपने हिसाब से, अमर इज टॉकिंग अबाउट अकबर, अमर इज टॉकिंग टू अकबर अबाउट एंथनी। ये भी हो सकता था कि एंथनी इज टॉकिंग अबाउट अकबर अबाउट, एंथनी इज टॉकिंग टू अमर अबाउट
अकबर ऐसा भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है जो जिससे बात कर रहा है। मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल ले लिया। अब इसका एक प्लूरल फॉर्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी आर टॉकिंग टू यू अबाउट देम, मेरा ग्रुप बात कर रहा है आपके ग्रुप के ग्रुप से उनके ग्रुप के बारे में, या फिर मेरा ग्रुप जब बात कर रहा है तो वो फर्स्ट फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। जब वो आपके ग्रुप से बात कर रहा है तो आप हो गए सेकेंड पर्सन प्लूरल, यू से डिनोट हो रहा है, वी से मेरा ग्रुप डिनोट हो रहा था। अब जो तीसरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं वो हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल। ये तीन टर्म है, इसे लिख लीजिए, दो तीन बार पढ़ोगे तब जाके आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट स्लाइड, सब कुछ कंपाइल कर देते हैं इसमें। वर्ब फॉर्म कैसे चेंज हो रही है, मैंने आपको बता दिया नाउन सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है, नाउन की जगह पर नाउन यूज होगा तो प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल कैसे होगा, अभी बताया ना, आई आई की जगह वी आ गया प्लूरल, यू की जगह यू यू, दोनों सेम रहता है। थर्ड पर्सन की बात करी जाए ही शी इट, उनका प्लूरल है दे। तो उसी तरीके से वर्ब होती है, जो वर्ब इनके साथ यूज होगी। वर्ब क्या होता है फिर से बोलूंगा, तीसरा लेक्चर जाके जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है। वर्ब है आपकी यहाँ पे स्पीक, है ना, स्पीक, स्पोकन, गो वेंट गॉन, जिनकी फॉर्म्स होती हैं उन्हें वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे आप देखो। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कंपाइल करते हैं, ख़त्म, कुछ नहीं है इसमें। आई स्पीक, मैंने उसका प्लूरल ले लिया वी स्पीक, वर्ब फॉर्म चेंज नहीं हुई, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सारा प्रेजेंट टेंस की बात है अभी। यू स्पीक सेम रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। चेंजेस कहाँ आएंगे, चेंजेस आएंगे, उससे पहले मैं एक लाइन बताता हूँ। वर्ब सिंगुलर भी होती है, वर्ब प्लूरल भी होती है। जब वर्ब सिंगुलर है तो अभी फिर मैं बोलूँगा, पहले एंशियंट में यही करा जाता था कि फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स अलग होती थी। अब क्या है, अब सिर्फ थर्ड पर्सन, मतलब ये देखिए जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब चेंज करी जाती है, वर्ब की फॉर्म चेंज करी जाती है, जिसमें एस और ई एस लगाया जाता है। ये देखिए ना, स्पीक है यहाँ पे, यहाँ पे स्पीक है यू के साथ, आई के साथ, ही के साथ स्पीक्स है, तो वो चेंजेस आते हैं इसमें। प्लूरल के साथ फिर से स्पीक हो गया, तो स्पीक 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 स्पीक, पर ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ एस की फॉर्म आएगी, स्पीक्स आ गई। अब देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल, आई डू, यू डू, वी डू, यू का प्लूरल यू डू, पर अब थर्ड पर्सन की बात करी जाए ही डज, दे डू, आप देख रहे ई एस की फॉर्म आ गई। इसमें दो फॉर्म आती है, एस और ई एस की, एस ई एस की फॉर्म आती है इसमें, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आपके आती है, जो मैं बता रहा हूं। लास्ट एग्जाम्पल है आई लाइक, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू लाइक, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही लाइक्स शी लाइक्स, है ना। अब इसका प्लूरल क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल आपको खुद पता होना चाहिए। मैंने बता दिया है, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स लिए हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सेकेंड लेक्चर, इसके बाद एक लेक्चर अपलोड करूंगा मैं जो ये बताएगा कि स्पीक्स कब हो गया और क्यों हो गया, डू की जगह डज कब हो गया, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ आपकी वर्ब फॉर्म कैसे चेंज हो रही है, वो सब मैं अपलोड करूंगा इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई गेस सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड। बाय बाय।